के द्वारा प्रायोजित और संचालित इस परिचर्चा में आप सभी पार्टिसिपेंट्स और हमारे रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट का हार्दिक स्वागत है। हम सभी इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, या तो ये जो पैनल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं या सामने जो जितने भी हमारे अटेंडीज हैं, जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, हम सबका कहीं ना कहीं जुड़ाव और लगाव अपना इंश्योरेंस सेक्टर से रहा है। इंश्योरेंस सेक्टर बहुत दिनों तक 1956 में LIC का गठन किया गया और तब से लेकर के 2000 साल तक, और साथ में जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी 1972 में उसका नेशनलाइजेशन हुआ और 2000 साल तक ये सरकारी तंत्र में रहा, सरकारी मोनोपोली में रही। इकोनॉमिक परिस्थितियां बदली 1991 के बाद और इंश्योरेंस सेक्टर को भी ओपन अप करने की बात हुई और 2000 में फाइनली IRDA ने और सरकार ने इसको ओपन अप किया और तब से लगभग 21 साल के समय बीत चुके हैं और बहुत सारे बदलाव हमें इस इंडस्ट्री में देखने को आए हैं। एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो रहा, जो आज के परिचर्चा का विषय है, वो है हमारा एजेंसी चैनल। मैं खुद भी LIC का एक ऑफिसर रहा हूं और जब हम लोगों ने कंपनी ज्वाइन की थी या 2000 जब तक ओपन अप नहीं हुआ था, एजेंसी चैनल ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री का आधार हुआ करता था और ये एक ऐसा चैनल था जिसके द्वारा इंश्योरेंस की पहचान हुआ करती थी। मैं बिमटेक में प्रोफेसर हूं, हर साल एडमिशन के लिए इंटरव्यू लेना पड़ता है और जब भी हम किसी व्यक्ति, किसी स्टूडेंट से जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में पूछते हैं तो उनके मनोमस्तिष्क में एक ही भाव आता है कि इंश्योरेंस बहुत बेचना मुश्किल काम होता है और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई अंकल, कोई भैया जो एक अभिकर्ता होते हैं उसकी छवि उनके दिमाग में रहती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एजेंसी चैनल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का स्तंभ रहा है, लेकिन क्या आज 20 साल 21 साल के बाद क्या वो स्थिति अभी भी बनी हुई है, यही एक परिचर्चा का आज का हमारा विषय वस्तु है। और हम बहुत लकी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन दिग्गज अवेलेबल हैं और तीनों का तीन अलग अलग फील्ड से है, इंश्योरेंस नहीं लेकिन अलग अलग एक्सपीरियंस के हैं। अतुल जैन जी हैं हमारे साथ, जिनका की कैरियर लगभग 28 साल पहले एक पार्ट टाइम एजेंट के रूप में चालू हुआ। पेशे से ये खुद एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल के आदमी हैं और MNC में जब ये एक सीनियर पोजीशन पे थे तब इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये मैं नौकरी छोड़ता हूं और मैं फुल टाइम एजेंसी का काम करता हूं। शुरुआत हुई 2010 में, इन्होंने एक पहला मुकाम पाया जो MDRT बोलते हैं इंश्योरेंस के क्षेत्र में। 2019 में ये CUT बने, 2020 में ये TUT बने, आज के संदर्भ में इनका एक खुद का जैन इंश्योरेंस कंपनी खोल रखी है, 12-13 इम्प्लाई इनके साथ काम करते हैं और पिछले साल जहां तक मुझे मालूम है लगभग 1.25 करोड़ का इनका इनकम था। हमारे दूसरे मेहमान महावीर चोपड़ा जी हैं जो कि पेशेवर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। शुरू में ऑफकोर्स उन्होंने अकाउंटेंसी वाली काम की, लेकिन 2005 के बाद इनका भी संबंध बना इंश्योरेंस सेक्टर से, इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी से। बहुत दिनों तक ये कवर फॉक्स जो कि पॉलिसी बाजार का पैरेलल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था उसके चीफ बिजनेस ऑफिसर थे और पिछले 1.5-2 सालों से अपने खुद के इंटरप्रेन्योरियल वेंचर जिसका नाम beshak.org है और मैंने बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि जो भी इंश्योरेंस से लोग जुड़े हैं उसको फॉलो करें, अभी कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। बैकग्राउंड में इनका भी जो पर्पस है वो एजेंसी कम्युनिटी को हेल्प करने का ही है। हमारे तीसरे मेहमान श्री अनूप कुमार जी हैं, हमारे सीनियर हैं LIC में, हमारे बॉस भी हुआ करते थे कभी और अभी पिछले साल ही सर ने रिटायरमेंट लिया LIC से। 1986 से लेकर के 2019 तक LIC के विभिन्न पदों पे इन्होंने काम किया। सर का जो लास्ट जो असाइनमेंट था LIC सेटअप में वो था जोनल मैनेजर इंचार्ज। जोनल मैनेजर LIC में बहुत बड़ा पद होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रैंक का पद होता है और ये नॉर्थ जोन में थे। नॉर्थ जोन का मतलब हो गया राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जैन के सब के मालिक थे, मतलब अगर एक नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो। सर आप सबका स्वागत है। परिचर्चा इस बात पे है कि आने वाले समय में एजेंसी चैनल का भविष्य क्या है, ये इसको थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना सेटिंग द टोन, मैंने एक छोटा सा PPT मैंने बनाकर रखा है, शायद वो हम लोग के लिए फायदेमंद होगा जब हम इस चीज पे चर्चा करेंगे। मैं आपका 2 मिनट का समय लूंगा और मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप लोगों को दिख रहा है सर मेरा पीपीटी, आपको दिख रहा है? हाँ हम लोगों को तो दिख रहा है, दिख रहा है, विजिबल है आपको दिख रहा है तो बाकी लोगों को भी दिख रहा होगा। तो एजेंसी चैनल फ्यू रिलेवेंट फैक्ट्स और जो भी मैंने डाटा लिया है ये सारा का सारा डाटा IRDAI एनुअल रिपोर्ट 2019-20 से है, क्योंकि 2021 अभी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं जहां तक मेरी जानकारी है।
ये जो पहला जो स्लाइड है ये बहुत कुछ बयान करता है। 2000 में जब सेक्टर ओपन अप हुआ था उस वक्त दो ही तरह से बिजनेस होते थे, एक तो या तो एजेंट के थ्रू बिजनेस होता था या फिर अधिकारी लोग डायरेक्ट बिजनेस करते थे, खास करके B2B स्पेस। लगभग 10 लाख एजेंट थे उस वक्त, 8 लाख LIC के साथ और लगभग 2 लाख एजेंट जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो 4 थी उनके साथ अटैच थे। 2020 आज के समय में एजेंसी की संख्या लगभग 33 लाख है, इसमें से 23 लाख लोग लाइफ इंश्योरेंस के साथ, 5 लाख लोग जनरल इंश्योरेंस और 5 लाख लोग स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस, शाही जिसको बोलते हैं, उसके साथ अटैच है। जब मैं 33 लाख का मैं फिगर कह रहा हूं उसका इकट्ठा ही मतलब नहीं कि 33 लाख लोग हैं, ये एजेंसी है, क्योंकि बहुतों के पास तीन तीन एजेंसी होगी, शायद अतुल जैन साहब के पास भी 3 एजेंसी होगी इनके नाम से, तो ये संख्या कम होगी, मे बी 17-18-20 लाख के आसपास हो सकती है। डायरेक्ट बिजनेस आज भी उसी तरह से चल रहा है, बल्कि LIC के कॉन्टेक्स्ट में तो डायरेक्ट बिजनेस का डोमिनेंस बहुत ही बढ़ गया है पिछले कई सालों में। कॉर्पोरेट एजेंसी नया एजेंसी एक चैनल लाया गया था 2002 में, आज के डेट में 658 है, आज मतलब मार्च 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से बैंक्स 265 है और बाकी अदर्स 393। इस 393 में अमेजन, फ्लिपकार्ट, ओला जैसी संस्थाएं भी हैं जो आने वाले समय में ऐसी उम्मीद की जाती है कि इंश्योरेंस का भविष्य बदलने में ये लोग काफी कारगर साबित होंगे। इंश्योरेंस ब्रोकर 589, और इसमें से कम 50 तो ऐसे हैं जो बड़े ब्रोकर हैं, बाकी छोटे ही ब्रोकर हैं। बहुत सारों का तो बैकग्राउंड ऐसा है कि किसी अच्छे अभिकर्ता ने अपने आप को अपग्रेड करके इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी की लाइसेंस ले ली। इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म 5-6 साल पहले इसको लाया गया, उम्मीद थी कि ये संख्या 10,000 तक पहुंच जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये शायद क्लिक नहीं किया, 339 की संख्या अभी है। MISP मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर्स 22,500, बेसिकली ये लोग एजेंसी हैं जो मोटर गाड़ियों को बेचते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शोरूम वाले लोग हैं, और इसका नतीजा ये हुआ है कि आज के डेट में अगर कोई भी नई गाड़ी रोड पे आ रही है 90% चांस है कि उसका इंश्योरेंस ये खुद शोरूम वाले ही करेंगे। एक आम अभिकर्ता के पास इस मोटर गाड़ी का इंश्योरेंस होने का चांस बहुत कम हो जा रहा है। पिछले 4-5 सालों में POSP, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, 5.5 लाख लोग हैं। ये एक नया इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत कोई इंश्योरेंस कंपनी या इवन की जो इंटरमीडिएट हैं, कॉर्पोरेट एजेंट हैं, आपके इंश्योरेंस ब्रोकिंग फॉर्म है, इंश्योरेंस मार्केटिंग फॉर्म है, ये लोग अपने कोड पे लोगों को जोड़ सकते हैं। संख्या काफी तेजी से बढ़ी है और इसमें जो इंश्योरटेक कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही है। एक इंश्योरटेक कंपनी टर्टल मिंट के नाम से है, ब्रांड नेम, उनके पास 1.5 लाख एजेंट है, तो 5.5 में से लगभग 1.5 लाख या 1 लाख तो उनके पास ही है। वेब एग्रीगेटर 18 है, पॉलिसी बाजार सबसे नोन नाम था, हालांकि यह पॉलिसी बाजार खुद एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग फॉर्म में अब कन्वर्ट हो गया है। मेरा पर्पस ये था कि पहले दो ही चैनल, आज के डेट में इतने चैनल, काफी कंपटीशन एजेंसी के लिए बढ़ा है। दूसरा जो ये स्लाइड है ये बिजनेस कंट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा है। लाइफ इंश्योरेंस डोमेन में एक ही PSU कंपनी है, LIC का आज भी रिटेल बिजनेस का 95% कंट्रीब्यूशन एजेंसी चैनल से आता है। शायद LIC ही एक ऐसी संस्था रह गई है जो बहुत हद तक अभी भी एजेंसी पे डिपेंड करती है। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ये कंट्रीब्यूशन केवल 25% है, और दोनों को मिलाकर ओवरऑल इंडस्ट्री के रूप में देखा जाए तो 60% के आसपास। प्राइवेट कंपनियों के लिए, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए सबसे बड़ा जो चैनल है जो कंट्रीब्यूट करता है वो है बैंक का इंश्योरेंस। 53% बिजनेस आज बैंक का इंश्योरेंस से आ रहा है। अगर यही चीज हम जनरल इंश्योरेंस में देखें तो PSU जो अभी भी 4 कंपनियां काम कर रही है उसका 40% कंट्रीब्यूशन एजेंसी से आता है। कभी ये भी 90% रहा होगा जब सेक्टर की ओपनिंग अप हुई थी। प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में ये कंट्रीब्यूशन केवल 15% रह गया है, ओवरऑल 28%। और अगर PSU और प्राइवेट के रूप में देखा जाए तो PSU जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट मतलब कंपनी के ऑफिशियल्स खुद भी बिजनेस करते हैं, ब्रोकर से उनके पास 20% बीमा आता है। प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी में वहां मामला बदल जा रहा है, डायरेक्ट 28% और ब्रोकिंग कम्युनिटी से 34%। तो आप देख सकते हैं कि ब्रोकिंग कम्युनिटी ने कितना बड़ा हिस्सा शेयर ले लिया है जो पहले कभी अभिकर्ताओं का ही हुआ करता था।
तीसरा जो ये स्लाइड है, ये लास्ट स्लाइड है, ये बताता है कि इनकम का स्थिति क्या है, और खास करके ये जो डाटा है प्योर लाइफ इंश्योरेंस डोमेन से संबंधित है। ब्रेकअप आप देखिए, न्यू बिजनेस का मतलब होता है जो नया बिजनेस पिछले साल ही हुआ है, और रिन्यूअल का मतलब होता है कि जो पॉलिसियां पिछले कई सालों से चल रही हैं उनका कितना प्रीमियम आया है। मेरे ख्याल से एक एक्स लाइफ इंश्योरेंस ऑफिशियल होने के नाते ये जो भी फिगर आपको देख रहे हैं शायद ये उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। 260,000 प्रीमियम केवल पिछले साल आया, और पिछले कई सालों की कमाई का प्रीमियम केवल 3,13,000 करोड़ था। ठीक है, चलिए ये तो हो गया बिजनेस के बारे में। अभिकर्ता को तो कमीशन से मतलब है ना, उनकी तो रोजी रोटी घर उस कमीशन से चलता है। आप ये देखें टोटल कमीशन न्यू बिजनेस से 16,670 लाख रहा, यस हाँ, और रिन्यूअल से 12,800 लाख रहा। और तीसरा जो देखेंगे जो कि कमीशन LIC का है, यहाँ थोड़ी मेरे लिए चिंता के विषय जरूर है, क्योंकि ये माना जाता है कि अभिकर्ता का जो रियल इनकम होता है वो उसका रिन्यूअल कमीशन होता है, क्योंकि नए पहले साल के कमीशन का तो बहुत सारा चीज मार्केटिंग एक्सपेंस फीचर में निकल जाता है। यहाँ आप देखेंगे कि लगभग बराबर हो गया। कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय ये है कि क्या हमारी पुरानी पॉलिसियां नहीं चल रही हैं, या हमारा एक जो फेज था कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बदले में अब हम लोग शॉर्ट टर्म पॉलिसियां लेने लगे हैं। LIC पिछले 2-3 सालों से, पिछले 5 सालों में काफी हद तक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के ऊपर डिपेंड किया अपने मार्केट शेयर के लिए, शायद ये उसका दुष्परिणाम है। दुष्परिणाम में बहुत सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक कंसर्न है कि अगर ये हालत रहा तो फिर रिन्यूअल कमीशन का क्या होगा। ये 3 चीजें हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मैं इस पे स्टॉप करता हूं, और इन डाटा से मेरे को एज ए आउटसाइडर जो एक दूर से हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि समय के साथ एजेंसी चैनल में कहीं ना कहीं चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, और इनका भविष्य क्या होगा वही हमारी इस पर चर्चा का मुद्दा है। मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि इंश्योरेंस सेल्स में ह्यूमन एलिमेंट का मतलब इंपैक्ट नहीं रहेगा। हम इंश्योरेंस ब्रोकिंग की भी बात कर रहे हैं, वहां भी बीमा बेचने वाला आदमी ही होता है। जब हम बैंक का इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, वहां भी बीमा बेचने वाला रिलेशनशिप मैनेजर ही होता है। तो मुद्दा आदमी का नहीं है, आदमी तो हर जगह रहेगा, मुद्दा इस बात का है कि जो एजेंसी चैनल जो हमारे कंट्री में टायर्ड एजेंसी चैनल का जो स्वरूप है, क्या वो आगे भी कंटिन्यू कर पाएगा, ये इस पे हम परिचर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अतुल जी को। अतुल जी ने कैरियर सही ढंग से तब शुरू किया जब इंश्योरेंस सेक्टर का ओपनिंग अप हुआ। हालांकि मैं एक निगेटिव नरेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इनके केस में उल्टा हुआ है। ये अतुल जैन जी समय के साथ और अच्छे और मजबूत होते गए। अतुल जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि पिछले 20 साल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और आप जो मैं एक निगेटिव नरेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप कैसे काउंटरेक्ट करने की करेंगे। नमस्कार पांडे सर, और सभी जो भी डाइस पे हमारे पास सीनियर डिग्निटीज हैं, सब लोगों को मेरा नमस्कार, और जो भी आज हमें देख रहे हैं उन लोगों को भी मेरा गुड मॉर्निंग और नमस्कार। सर मेरा एक लक समझिए कि 1999 में जब मैंने LIC के साथ अपनी जर्नी शुरू करी, और 97 में ओरिएंटल के साथ अपनी जर्नी शुरू करी, तो उस टाइम पे ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर नहीं था, और ये सिर्फ गवर्नमेंट की ही PSUs ही इंश्योरेंस को लीड कर रहा था। तो जब मैं, मुझे याद है अच्छी तरीके से, 1999 में या 2000 शुरू में जब कोई हमारी मीटिंग होती थी, हम लोगों से मिलते थे, तो ये बात बड़ी तेजी से बोली जाती थी कि बस अब देखना, अब आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी, अब प्राइवेट सेक्टर आएंगे, बहुत सारा कुछ होगा। और मैं हमेशा बहुत ही पॉजिटिव रहा हूँ। मेरे भगवान ने मेरे साथ एक अच्छी चीज, साथ में एक चिप नहीं लगाई थी, वो ये थी कि मैं किसी भी चीज, जब भी कोई बदलाव आता है मैं उसको हमेशा अच्छा मानता हूँ, चाहे बेशक वो कोई सा भी बदलाव हो। तो मैं उस टाइम भी अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से जब बैठता था ये बात बोलता था, मैंने कहा जब भी, क्योंकि मैं एक अकाउंट्स की बैकग्राउंड से था, 93 में जब मैंने अकाउंट्स में नौकरी ज्वाइन करी थी, तो उस टाइम पे मुझे मालूम है अच्छी तरीके से कि मैनुअल अकाउंटिंग होती थी और कंप्यूटर्स आए थे, तो लोग कहते थे मैनुअल अकाउंटेंट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आज मेरे ख्याल से कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि बिना कंप्यूटर के अकाउंटिंग हो सकती है। तो मैं उस एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को आगे चला रहा था, तो मैं बहुत पॉजिटिव था। मैंने कहा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब IRDA आएगा और नई प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो हम लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि मैंने सिर्फ एक छोटी सी स्टडी जरूर करी थी कि उस टाइम पे 2000 तक हमारे पास
2-2.5-3% से भी कम लोग इंश्योर थे, तो मुझे लगता था ये मार्केट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हिंदुस्तान में हमारी सब लोगों की स्ट्रेंथ सबसे बड़ी जो क्या है, हमारी आबादी। मैं इसको हमेशा ये मानता था कि हमारी जो पॉपुलेशन है ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और हमारे पास नंबर ऑफ अभी जो कवर्ड लोग हैं वो बहुत कम है। तो मैं उस टाइम पे उनको बोलता था, और ये सच में ये प्रूव हुआ जब 2000 में IID आया और प्राइवेट कंपनीज आई। उन्होंने आके सबसे अच्छा एक ये काम किया अवेयरनेस का, उन्होंने आके लोगों को इंश्योरेंस के बारे में बताया, जो कि शायद पहले 45 सालों में LIC नहीं बता पा रही थी, या जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस के बारे में उतना नहीं बता पा रही थी, जो कि प्राइवेट कंपनीज ने आके काम किया। और जो LIC का स्पेशली, मैं LIC को इसलिए बोलना चाहता हूँ कि मेरा अपना मेरी जिंदगी में मतलब ब्लड में LIC है, और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, दोनों कंपनीज मेरी वहां जहां से मैंने शुरुआत करी है उन कंपनियों से मैंने, तो मैं ये मानता हूँ कि इन्होंने अपनी मार्केट के अंदर अपनी स्ट्रेंथ, स्पेशली LIC ने अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन की, और जैसे जैसे चेंजेस आए प्राइवेट कंपनीज ने आके यूलिप सेल किया, LIC ने यूलिप को बहुत बाद में शुरू किया, और यूलिप के क्या परिणाम हुए आप सबको मालूम। तो मुझे लगा कि जो चेंजेस आए उसके बाद आज यदि हम 20, आपने मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने मेरा एक बहुत आसान काम किया, आपने PPT शेयर करी, आपने 2000 में और 2020 में आप बिजनेस फिगर दिखा दिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या चेंज हुआ। तो ये डर की जरूरत नहीं थी इस जगह पे, ये एक अपॉर्चुनिटी थी। और आगे आगे जैसे जैसे और प्लेयर्स नए आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, या जो सोशल मीडिया के थ्रू लोग लाइन डेज भरेगी, या आगे जो और नए नए चैनल्स आ रहे हैं, ये चैनल्स इस जो हमारे पास अभी भी इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन जो 5-6% तक पहुंची है उसको बढ़ाएगी, क्योंकि बहुत एक अनमैच अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस के अंदर। और मैं तो मुझे इसमें कहीं पे भी कोई डर या खतरे वाली सिचुएशन नहीं लग रही, मुझे इसका एजेंसी का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग लग रहा है, और आने वाले लोगों को, आने वाले लोग जो इस प्रोफेशन में आएंगे दे विल मेक ए हिस्ट्री इन दिस प्रोफेशन। थैंक यू अतुल जी आपके इस पॉजिटिव नोट के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा महावीर चोपड़ा जी का, इनका क्या व्यू है कि पिछले 20 सालों में जो बदलाव आए हैं उसमें एजेंसी चैनल का भविष्य मतलब क्या फील करते हैं सर आप? जी तो मैं एक आउटसाइडर व्यू दूंगा, बिकॉज मैं खुद कभी भी इंश्योरेंस एजेंट खुद से रहा नहीं हूँ, बल्कि मोस्टली मैंने जो काम किया है वो इंश्योरेंस ब्रोकिंग में किया है। बट मेरा जो लास्ट 15-16 साल का जो एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस ब्रोकिंग में, और जो मेरे इनसाइट्स है उससे मुझे ये क्लियरली समझ में आया है कि पर्सनलाइज्ड एडवाइस, जो 1-to-1 P2P एडवाइस होती है, जो एक आदमी दूसरे आदमी को देता है और उसकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितना भी टाइम गया है इसमें, हम जो नंबर्स देख रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं कि 20 साल हो गए, लेकिन अगर आप अभी भी देखेंगे तो इंश्योरेंस एजेंसी, जो इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंसी है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, राइट? ऑलमोस्ट 75% ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस अभी भी इंडिविजुअल एजेंट्स कर रहे हैं, राइट? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि कस्टमर्स जो है वो पर्सनलाइज सर्विस चाहते हैं, वो नॉट ओनली एक पॉलिसी खरीदना चाहते हैं कंपेयर करने के बाद, पर उसके बाद भी उनको चाहिए कि कोई उनको हैंड होल्ड करे थ्रू द पॉलिसी। तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो मुझे पता चली, बिकॉज मैं कॉम्पीट करता था इंश्योरेंस एजेंट्स के साथ जब मैं इंश्योरेंस ब्रोकिंग चलाता था, और हमको ये पता चला कि आज भी पॉलिसी बाजार होने के बावजूद, उतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद, अगर आप उनका कन्वर्जन देखेंगे, पॉलिसी कन्वर्जन जो होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, कन्वर्जन होता है उनका 4-5% का, और टर्म लाइफ में कन्वर्जन होता है 3% का, 3-4 ले लीजिए आप, अभी पैंडेमिक में शायद 1% बढ़ गया होगा। अगर आप ये कंपेयर करेंगे कोई भी इंडिविजुअल एजेंट के साथ, तो मेरा अगर गलत नहीं नंबर बता रहा हूँ, मतलब आप करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं नंबर गलत बता रहा हूँ, बट आसानी से एक इंश्योरेंस एजेंट का कन्वर्जन 20-25-30% कन्वर्जन होगा, मतलब वो 3 में से 1 आदमी को बेच देगा। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इंश्योरेंस एजेंट के पास एक पोटेंशियल है कन्वर्ट करने का टू इंश्योरेंस ब्रोकर। ये मेरा इंसाइट है जब मैं इंश्योरेंस ब्रोकिंग में था, कि हम कितना भी ब्रांड बना रहे थे, हम TV एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, हम सारी चीजें ट्राई कर रहे थे, बट हमको एक चीज जो रियलाइज हुआ कि ट्रस्ट क्रिएशन, क्रेडिबिलिटी क्रिएशन एंड पर्सनलाइज एडवाइस, दिस इज समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल बाय ये सारे जितने भी अदर चैनल्स हैं। लाइक ए बैंक है, बैंक में जो एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉई चेंज हो जाता है, राइट? आज आपको कोई बैंक में है, कल वो दूसरी बैंक में चले जाएगा। एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी है, उसमें भी जो आपको एम्प्लॉई बेच रहा है वो भी चेंज हो सकता है। वो कॉल सेंटर पे है, शायद आपको नाम भी गलत बता रहा होगा, उसका नाम अंशुमान होगा और वो बता रहा होगा आयुष्मान, राइट? तो आपको कोई भी उसके अंदर पर्सनलाइज्ड सर्विस नहीं मिल रही है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो मेरा व्यू ये है कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई है फॉर इंश्योरेंस एजेंट्स इवन टूडे इन माई व्यू,
एक पॉइंट जो अतुल जी ने कहा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक दैट इज द बेस लाइन ऑफ आर डिस्कशन टूडे, इज के रेलेवेंस, रिमेनिंग रेलेवेंट विद द मार्केट, जो उन्होंने बात कही वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बात कही, और आई थिंक जो भी इंश्योरेंस एजेंट्स है उनको ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि मार्केट जिस तरीके से चेंज होता है, अगर आप उनके साथ 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 आप भी चेंज होते हो, अगर कस्टमर ट्विटर पे जा रहे हैं तो आप भी ट्विटर पे हो, अगर कस्टमर फेसबुक पे जा रहे हैं तो आप भी फेसबुक पे हो, अगर कस्टमर चाहता है कि वेबिनार होना चाहिए हर महीने तो आप भी कर रहे हो वेबिनार, आप वीडियोस बना रहे हो, अगर आप वो सारी चीजें जैसे मार्केट चेंज हो रहा है, जैसे कस्टमर की नीड चेंज हो रही है, उस तरीके से अगर आप बिल्ड करोगे तो आपको बिजनेस कम नहीं होगा। जो अतुल जी ने बोला, अवेयरनेस बढ़ने से आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है अतुल जी ने कि एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर और एज ए फाइनेंशियल प्लानर उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो बहुत बढ़िया है कि यू नो कस्टमर को जो आप चाहिए, अगर जो जैसे कस्टमर बदल रहा है वैसे आप देते जाओगे तो आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। एक और लास्ट चीज जो मुझे बोलना है कि आप डायरेक्शन देखिए इंश्योरेंस कंपनीज का, इंश्योरेंस कंपनीज क्या कर रही है अभी लास्ट, आप जो लास्ट अभी जो इवेंट हुई है वो ये हुई है, HDFC लाइफ ने एक्साइड लाइफ को एक्वायर किया है, उसका जो मेन टॉप थ्री रीजन है ऑफ व्हाई दे हैव एक्वायर्ड HDFC लाइफ हैज एक्वायर्ड एक्साइड लाइफ, अगर आप वो पढ़ेंगे उसमें टॉप थ्री रीजन में से एक रीजन है एजेंसी। HDFC लाइफ चाहता है कि उसकी एजेंसी ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि उनको पता है कि सबसे स्ट्रांगेस्ट बिजनेस जो है, जो सबसे स्टिकी बिजनेस होता है इंश्योरेंस में, वो अभी भी एजेंसी ही है। तो आप दूसरे भी देख सकते हैं, जैसे मैक्स लाइफ ने अभी 40,000 इंश्योरेंस एजेंट करने की कोशिश की, समय के साथ चलना ही उसमें सबसे अच्छी बात है। या आपका क्या व्यू है, क्योंकि आपने इस पूरे ट्रांजिशन को देखा है और आप इस ट्रांजिशन को कैसे सर एसेस कर पाते हैं? धन्यवाद मनोज। सबसे पहले तो मनोज मैं आपको बधाई देता हूं और आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण डेटा आपने शेयर किया अपने छोटे से प्रेजेंटेशन में, लेकिन बिल्कुल गागर में सागर आपने भर दिया। और अतुल जी को और महावीर जी को भी मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूं, इनफैक्ट वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, जो अतुल जी ने कहा जो महावीर जी ने कहा मैं पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन सबसे पहले मनोज आपके डेटा से आगे मैं बढ़ता हूं, आपने जो डेटा दिया कि 2000 में हमारे पास 10 लाख इंडिविजुअल एजेंट्स थे IRDA का डेटा, और 2020 में ये संख्या बढ़कर 33 लाख हो गई। अब इसी से आप देखिए, जबकि इंश्योरेंस का बिजनेस ऐसा है जिसमें बहुत से एजेंट एग्जिट करते हैं, या तो विलिंगली या फिर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ मिनिमम बिजनेस गारंटी, डिस्पाइट दैट ये संख्या बढ़ी और 10 लाख से बढ़कर के 33 लाख हुई। तो इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडिविजुअल एजेंसी विल रिमेन इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी। और अभी मैं देख रहा था बीच में जो चैट्स कुछ मैसेजेस आ रहे थे, तो इसमें एक हमारे साथी ने जो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने लिखा कि बिल्कुल सही, शायद महावीर जी या अतुल जी का नाम लेकर के, कि बिल्कुल सही सर, जो इंडिविजुअल एजेंट अपने ग्राहक को समझा सकता है वो कोई दूसरा नहीं समझा सकता, बिल्कुल सही बात। और जहां तक अभी शिफ्ट इन एजेंसी का प्रश्न है, मैं अभी बैठे बैठे कुछ लिख रहा था, तो देखिए इट्स नॉट अ शिफ्ट, इट्स डाइवर्सिफिकेशन, हम फैल रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन है, शिफ्ट नहीं है। और दूसरी बात, इमर्जिंग जो ऑल्टरनेट चैनल्स हैं वो थ्रेट नहीं है हमारे लिए, वो थ्रेट नहीं है, इनफैक्ट वो वेकअप कॉल है, हमें भी अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। और ये बात सही है कि ऑनलाइन मेथड बहुत डिमांड में है, और ऑनलाइन देखिए ऐसा है कि ये कोरोना पैंडेमिक काल में ऑनलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। वंस अपॉन अ टाइम हम लोग बहुत से अपने ट्रांजैक्शन ऑनलाइन नहीं करते थे, इवन मैं डरता था कि भाई बिजली का बिल अगर ऑनलाइन दूंगा कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो पता नहीं फिर से डिमांड रेज कर देंगे, लेकिन अब हम सब कर रहे हैं। डिस्पाइट दैट इस पैंडेमिक काल में भी जो इंडिविजुअल एजेंट कर रहा है वो ऑनलाइन नहीं कर रहा है, आज भी कस्टमर अवेयर है कि ऑनलाइन बहुत सी चीजें हैं, लेकिन इंडिविजुअल एजेंट जो कर रहा है वो दूसरा नहीं कर रहा है। और अगली चीज, अभी शिफ्ट इन एजेंसी नहीं है, अभी इंडिविजुअल एजेंट्स के लिए जो मैं कह रहा था वेकअप कॉल है, इट्स अ मैटर ऑफ को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व की बात है, उनको हम चैलेंज नहीं करें, बैंक एश्योरेंस है, ब्रोकर्स हैं, IMF है, उनको चैलेंज नहीं करें, हम को एग्जिस्टेंस की बात करें और उसको हम इस रूप में लें कि इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स समथिंग, इट्स अ लेसन, कि वो जो तरीके अपना रहे हैं उनको हम अपनाएं। और अगली चीज जो मैं कह रहा था शिफ्ट की बात है, देखिए हाँ ये बात सही है कि इंडिविजुअल एजेंट को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, और अब की जो डिमांड है वो ये है कि इंडिविजुअल एजेंट को ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, प्रभाव ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा अपने कस्टमर पर, और एक सिंक होना चाहिए, बिल्कुल तारतम्य होना चाहिए पांच चीजों में जिसकी डिमांड बेसिकली कस्टमर करता है। एक होता है डिमांड, क्या डिमांड कर रहा है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरी डिलीवरी, चौथा रीअश्योरेंस, मतलब कि आफ्टर द सेल हैज टेकन प्लेस वो क्या सर्विस देता है, और पांचवी चीज रिकवरी। देयर मे बी सिचुएशंस जहां कस्टमर नाराज हो गया,
तो भाई कस्टमर अगर नाराज हो गया तो हम कस्टमर से डरे नहीं, वी शुड गो बैक टू द कस्टमर और उस कस्टमर का खोया हुआ विश्वास हम प्राप्त करने की कोशिश करें, रिकवरी। तो आज इंडिविजुअल एजेंट की ये डिमांड है और इंडिविजुअल एजेंट से ये डिमांड है और अब कस्टमर कैचिंग इज आउट इंडिविजुअल एजेंट्स के लिए, नाउ कस्टमर कीपिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, कस्टमर को हम अपने साथ जोड़े रखें। और एक डेटा और लास्टली मैं कहना चाहूंगा मनोज, आज भी इंडिविजुअल एजेंसी में जो बिजनेस होता है ना उसमें बिजनेस का रिटेंशन बहुत ज्यादा है वनस्पत की अदर ऑल्टरनेट चैनल्स। सो दैट इज ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बल्कि जो मेरा अगला जो क्वेश्चन था कि अगर एजेंसी चैनल में कोई चैलेंज है तो उसको कैसे मतलब ओवरकम किया जा सकता है, अतुल जी मैं आपके पास आता हूं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक सफल अभिकर्ता हैं, नो डाउट आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आपको मे बी LIC जैसी संस्था के टॉप 1-2 percentile एजेंट में रखता होगा, लेकिन आपके साथ बहुत सारे ऐसे भी एजेंट हैं जो स्ट्रगल करते हैं, उन स्ट्रगल करते हुए अभिकर्ताओं को, जिनके मैं जानता हूं कि आप खुद एक संस्था से जुड़े हैं और आप लोग बहुत कोशिश करते हैं, आपको क्या लगता है एक आम अभिकर्ता के लिए क्या भविष्य सुरक्षित है इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में? आप अपनी बात ना करें क्योंकि आप तो एस्टेब्लिश्ड हैं, आपके नीचे जो लोग हैं जो शायद रोज स्ट्रगल करते हैं उनके लिए क्या संभावनाएं बन पाती हैं? सर मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर, जैसे हमने आपने हमारे बारे में बताया कि हम एक FPRT करके फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स राउंड टेबल करके एक हमने जो संस्था बनाई है उसमें बहुत सारे एजेंट्स को फ्री ट्रेनिंग देते हैं, हर फ्राइडे को हमारा एक सेमिनार आता है, तो वहां पे भी जो एजेंट्स मिलते हैं ना वो भी मेरे से यही बोलते हैं कि सर आप अपना नहीं बोलो, आप बताओ हम कैसे काम करें, आप तो बड़े हो गए। तो मैं सिर्फ उनको इतनी सी बात, या आज जो ये वेबिनार में जितने भी लोग आए हुए मैं सिर्फ उनसे एक छोटी सी ये बात करता हूँ कि मेरे पास ऐसा कोई मेरे पास कोई मेरा कोई मेरी फैमिली का कोई इंश्योरेंस बैकग्राउंड नहीं था, मैंने कोई एक ये एजेंसी बाय चॉइस नहीं ली थी, मैंने जब ये एजेंसी ली थी ये आई वाज वर्किंग इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, मुझे लगा कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो और मैंने शुरू किया। लेकिन जब मैंने ये एजेंसी को शुरू किया तो एक दिमाग में एक मोटिव बना के किया कि मुझे अपने क्लाइंट्स को एक बेटर सर्विसेज देनी है, एक वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज देनी है। और मैंने आज भी अभी पांडे सर मैं आपको बताता हूं, मैंने इस पैंडेमिक में दूसरे पैंडेमिक के अंदर एक वीडियो डिस्ट्रीब्यूट करी थी जो काफी वायरल हुई, जिसमें मैंने लोगों को बोला था कि किसी की फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो गई है तो चाहे बेशक वो लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम है चाहे बेशक वो हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम है, आप हमारे को करो, हमें अपडेट करो, हम आपकी हेल्प करेंगे, और जिनका मेडिक्लेम में कैशलेस नहीं मिला उनको मेडिकल का कैशलेस कराने की कोशिश करेंगे, और जिनको लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम मिलना है उनको पैन इंडिया के अंदर वो हमने वायरल किया और बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए और बहुत सारे क्लेम्स हमने पिछले दिनों में सेटल कराए। तो मैं ये चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री में जो लोग आ रहे हैं और स्पेशली जो यंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं या यंग बच्चे जो आ रहे हैं उन लोगों को ये समझना है, आप अपने अपने हिस्से की चीज छोड़ दीजिए कि आपको क्या उससे फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, लिव इट दैट पार्ट। आप सिर्फ ये समझ के चलिए कि हमारे क्लाइंट के लिए व्हाट इज द बेस्ट फॉर आवर क्लाइंट्स। जिस दिन आपने अपने क्लाइंट का बेस्ट कर दिया, मैं ये मानता हूं हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जब आप किसी के साथ अच्छा करोगे सृष्टि अपने आप आपके साथ अच्छा करेगी, आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप अपने क्लाइंट्स के लिए अपने जो पॉलिसी होल्डर्स हैं जो प्रोस्पेक्टिंग, मेरे पास आज भी कोई भी क्लाइंट, इवन मेरे ऑफिस में हम लोग टू व्हीलर का इंश्योरेंस मोर और लेस नहीं करते, मेरा ऑफिस फोर्थ फ्लोर पे है, यदि कोई आदमी मेरे ऑफिस में इंश्योरेंस का बोर्ड देख करके आ जाता है, मैंने अपने ऑफिस के इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जो ऑफिस में हमारे पास आया वो भगवान का दूसरा रूप है, उसको खाली हाथ नहीं भेजना, उसको टू व्हीलर का इंश्योरेंस यदि वो कराने आया तो टू व्हीलर का इंश्योरेंस हम करते हैं उनका। तो मैं ये सिर्फ कहता हूँ आप अपने हिस्से का काम, सिर्फ आप अपने हिस्से का काम अच्छे तरीके से कर लीजिए, इंडस्ट्री इतनी बड़ी है इतनी बड़ी होने वाली है, इतना स्कोप है, कोई अनमैच स्कोप है सर, बस सिर्फ आपको अपना रोल प्ले करना है, आपने क्लाइंट की बेनिफिट की बात करनी है, अपने बेनिफिट को साइड रख करके सिर्फ क्लाइंट के बेनिफिट की बात करनी शुरू कर दीजिए। आप भी 10 साल बाद, मुझे तो 20 साल 25 साल लगे हैं, आज यदि कोई आदमी, और ये हो सकता है 25 साल इसलिए लगे कि मुझे 10 साल में समझ आया कि ये प्रोसेस है, है आप लोगों को मैं आज प्रोसेस बता रहा हूं, तो आप लोग यदि जो लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उन लोगों को इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर लीजिए, मुझे लगता है कि 10 साल में वो हमारे से मल्टीप्लाई बिजनेस उनका होगा। मैं आई विश टू ऑल द न्यू कमर्स। थैंक यू अतुल जी। महावीर जी आप एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के रूप में इंडस्ट्री से दूर बैठे हैं, अनूप सर तो LIC से जुड़े हैं और हमारे अतुल जी तो ऑलरेडी 2-3 कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, आपने सबको दूर से देखा है और जहां तक मुझे जानकारी है आप भी इस क्षेत्र में लगे हैं,
कि जितने भी अभिकर्ता हैं उनको इकट्ठा किया जाए, कम्युनिटी डेवलप किया जाए और उनको सशक्त बनाया जाए, इम्पावर किया जाए। आप बताना चाहेंगे कि क्या जो मेरा एक एप्रिहेंशन है कि शायद इंडिविजुअल एजेंसी खतरे में है, आपका क्या क्या है सर व्यू इस मामले में और आप इस चीज को कैसे देखते हैं या आप किस तरह से लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं? राइट तो इसका जो येस वाला आंसर है, मेरे पास दोनों के आंसर्स है एक्चुअली। आप जो पूछ रहे कि क्राइसिस में है कि नहीं है, एक्चुअली येस और नो दोनों आंसर है एक्चुअली इसके। येस का आंसर एक्चुअली अतुल जी ने दे दिया कि कितना स्कोप है और कितनी अगर आप सेवा पे फोकस करें और अगर आप फोकस करें सर्विस पे तो कैसे आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो और आसानी से, जितना अतुल जी ने स्ट्रगल किया उससे भी ज्यादा। मैं ज्यादा नो पे फोकस कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे अड़चन आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो ताकि लोगों को पता चले कि इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं और कौन सी चीज पे कॉन्शियस रह के काम करना चाहिए। एक है जो मिलेनियल्स है, जो यंग कस्टमर्स है, आज की तारीख में 90% ऑफ जो वर्कफोर्स है, 75% ले लेते हैं हम लोग ऑफ वर्कफोर्स जो है वो यंग है, जिन्होंने आदत है उनको इंटरनेट पे सब चीज लेने की, उनको एप्स पे काम करने की आदत है, राइट। डायरेक्ट बिजनेस जो बोला जा रहा है अभी, डायरेक्ट बिजनेस इज बिजनेस जो डायरेक्टली एप्स पे हो रहा है विदाउट एनी इंटरमीडिएशन, ये सारा बिजनेस काफी बढ़ रहा है। जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं जो फोकस कर रहे हैं कि कैसे स्टॉक्स डायरेक्टली बिक सके, कैसे ब्रोकिंग डायरेक्टली हो सके, कैसे म्यूचुअल फंड डायरेक्टली बिक सके विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट कमीशन, कैसे इंश्योरेंस डायरेक्टली बिक सके। तो एक बहुत बड़ा ये चीज चल रहा है जहां पे डिसइंटरमीडिएशन चालू है। फॉर एग्जाम्पल और एक ब्रांड है एको, राइट, जो बोल रहा है टीवी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि आपको कमीशन एजेंट की जरूरत नहीं है, कमीशन की जरूरत नहीं, कमीशन की जरूरत नहीं, राइट। तो ये एक ट्रेंड है जो जानना बहुत जरूरी है और थ्रेट को समझना बहुत जरूरी है। कि थ्रेट का मतलब ये नहीं होता है कि हम घबरा जाए, थ्रेट का मतलब ये होता है कि लेट्स गेट कॉन्शियस अबाउट दिस एंड टेक द राइट स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है ये और उसके क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ये बहुत बड़ा चीज है। इसको छोड़ के अगर हम देखेंगे तो अगर वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे जिस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं पैंडेमिक के बाद, बहुत सारे सर्वेज हुए हैं और एक बहुत अच्छा सर्वे है BCG का जो लास्ट ईयर हुआ है, पोस्ट पैंडेमिक सर्वे हुआ है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है इंश्योरेंस लेने के लिए। और मैं ये बात कर रहा हूँ USA की, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ के मैं बता रहा हूँ, USA की सर्वे है जहां पे BCG जैसी कंपनी ने सर्वे किया फाइंड आउट करने के लिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इंश्योरेंस के लिए। तो कॉस्ट और प्रोडक्ट को छोड़ के जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कस्टमर्स ने बताई है, और ये पोस्ट पैंडेमिक की बात कर रहा हूं मैं, इज कॉन्वर्सेशंस विद इंश्योरेंस एडवाइजर और फाइनेंशियल एडवाइजर। इट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलमोस्ट 30% ऑफ द पीपल हैव सेड दिस कि आई वॉन्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मुझे एक बातचीत करनी है कोई क्रेडिबल बंदे से जिसके बाद मैं पॉलिसी खरीदूंगा क्योंकि मैं पॉलिसी नहीं समझ सकता। नेगेटिव्स और जो क्या कर सकता है फाइनेंशियल एडवाइजर, इसके ऊपर मैं एक मिनट लेता हूं। फाइनेंशियल एडवाइजर को बेसिकली जो एक चीज अतुल जी ने बोली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई टिकट साइज और हाई मार्जिन को थोड़ी टाइम के लिए सिर्फ चेज करना छोड़ना पड़ेगा और कस्टमर के पीछे भागना ज्यादा सोचना पड़ेगा कि कस्टमर के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड चीज कस्टमर के बारे में कि आप सिर्फ इंश्योरेंस अगर करेंगे, सिर्फ इंश्योरेंस करेंगे तो आप थ्रेट में रहेंगे, आपको पूरा होलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग पे फोकस करना चाहिए। कस्टमर जो सारे प्रोडक्ट्स देखता है और एक फाइनेंशियल प्लानर बनना चाहिए, ना कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर, बिकॉज आज की तारीख में एवरी इंडिविजुअल कस्टमर जो यंग कस्टमर है वो चाहता है वन प्लेस पे उसका सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो। अवेयरनेस अबाउट अदर प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स हो या इंडेक्स फंड्स हो, ये बहुत इंक्रीज हो रहा है। अगर आप ही वो सारी सर्विसेज बता सकते हैं और आप ही वो सारी चीजें दे सकते हैं तो बहुत ज्यादा आपके साथ वो कस्टमर स्टिकी रहेगा और यहां वहां नहीं जाएगा, राइट। कस्टमर का बहुत ज्यादा फोकस आ रहा है रिटर्न पे, उसको रिटर्न चाहिए, उसको प्रोटेक्शन के साथ साथ उसको बहुत ज्यादा रिटर्न के पीछे बहुत फोकस है क्योंकि इतना ज्यादा अभी स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। आपको उसके बारे में एजुकेशन कस्टमर को देना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं कर सकते, आपको सारे प्रोडक्ट्स का एक होलिस्टिक व्यू देना पड़ेगा और आप फिर उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाइए कस्टमर का। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है इज एम्ब्रेसिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज। जितने भी कम्युनिटीज है ऑनलाइन, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन, जितनी भी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, वो अगर आप सारी चीजें सही तरीके से एम्ब्रेस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रेलेवेंट रहना मार्केट में फॉर द फ्यूचर। तो ये तीन चीज, एक है कि टिकट साइज के पीछे नहीं भाग के कस्टमर के पीछे फोकस करना चाहिए, सेकंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट,
और थर्ड है डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल तरीके को एम्ब्रेस करना। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एडवाइजर को आगे की ग्रोथ लाने के लिए। थैंक यू महावीर जी। अनुप सर मैं आपके पास आता हूँ। महावीर जी ने भी कहा कि अब वो जमाना गया कि आप LIC के एजेंट हैं तो आप चाहे रिक्वायरमेंट कुछ भी हो आप LIC की पॉलिसी ही उसको बेचेंगे। कहीं ना कहीं एक पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग वाली जो बात आती है जिसमें इंश्योरेंस भी होगा म्यूचुअल फंड भी होगा। वैसे पहले भी हमारे जो LIC के एजेंट होते थे उनके पास कम से कम तीन एजेंसी तो होती ही थी, पोस्ट ऑफिस की एजेंसी, लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी और एक जनरल इंश्योरेंस की। लेकिन शायद जमाना बदल रहा है और मैंने देखा हमारे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी है सत्यम का कि आज से 10 साल बाद एजेंसी का स्वरूप क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं सर मुद्दा ये नहीं है कि इंश्योरेंस के सेल्स में आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा, वो तो रहना ही रहना है। ये जो एजेंसी चैनल हमारे देश में जो टाइड एजेंसी चैनल का जो स्वरूप है क्या इसे अब बदलने की जरूरत आ गई है। विदेशों में हम लोग जानते हैं कि वहां MGA बोलते हैं, मैनेजिंग जनरल एजेंट या कुछ होता है वर्ड, जो कि एजेंट लाइसेंस्ड होता है, क्वालिफाइड आदमी होता है और वो जिस तरह से ब्रोकर हर इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर सकता है, हर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर सकता है, वो क्वालिफाइड लाइसेंस एजेंट भी इंडिपेंडेंट है, वो किसी के साथ बंधा हुआ नहीं है। अगर कस्टमर आया हमें अगर LIC की पॉलिसी अच्छी लगी तो हम उसको बेचेंगे, अगर शायद किसी दूसरे बजाज एलियंस के पास पॉलिसी भी तब उसको भी बेच सकते हैं। तो क्या सर ये समय आ गया है कि IRDA को भी इस तरह से सोचना चाहिए। क्वेश्चन सर हमारे स्टूडेंट का वही था कि 10 साल बाद सर आप क्या व्यू करते हैं। थैंक यू मनोज जी। वैसे तीसरे प्रश्न के आंसर में मैं इन सब चीजों को कवर करने वाला था। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन पर जो है कि एजेंसी चैनल क्राइसिस, अब ये 10 साल के बाद की बात चल रही है, तो मनोज जी मैं आपको अपने अनुभव के बारे में बताना चाहूंगा। ये अनुभव है 2002 का, जब ये IRDAI की स्थापना हो गई, इस समय तो IRDA कहते थे, और जब ये बात हुई कि अदर कंपनीज आ रही हैं इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में, तो मैं एक दो सेमिनार में मैं गया था, एक हैदराबाद में, ये 2002-2003 की बात है, उस समय मैं किसी डिवीजन का LIC की किसी डिवीजन का सीनियर डिवीजन मैनेजर था। तो एक और सेशन चल रहा था और उसमें दूसरी कंपनी को, ऑफकोर्स पब्लिक सेक्टर कंपनीज के दूसरी कंपनियों के लोग थे, तो जब टी ब्रेक हुआ तो दोनों में मैंने देखा कि टी ब्रेक में लोगों ने कहा कि अच्छा अच्छा वो सेशन चल रहा है इंश्योरेंस वालों को, वो लोग गए। अब देखिए, और उस समय अगर ऑल्टरनेट चैनल्स की बात करें तो मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे दो ही ऑल्टरनेट चैनल के नाम पता थे, एक ब्रोकर, दूसरा बैंक अश्योरेंस, क्योंकि यूरोप में स्पेशली फ्रांस में बैंक अश्योरेंस बहुत पॉपुलर है। तो उन लोगों ने और भी पता नहीं, शायद IMF का भी नाम ले लिया उन्होंने, क्या क्या नाम लिया, तो बड़े घबरा गए थे हम लोग। उसके थोड़े दिनों के बाद हम बॉम्बे में एक और सेमिनार में हम गए, वहां बहुत से प्रेजेंटेशन, वो सारा सेमिनार डेडिकेटेड था कि इंश्योरेंस मार्केट क्या होगा इंडिया में 2 ईयर्स हैंस, 3 ईयर्स हैंस। तो उसमें जब ये सारी बातें बोली गई तो आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द पर्सन, उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने कहा कि एशिया में, इवन जापान हैपेंस टू बी अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, वहां भी लोगों की मानसिकता ये है कि जो कि अतुल जी या महावीर जी ने कहा कि फेस टू फेस वन ऑन वन डिस्कशन लोग चाहते हैं, कि कोई एडवाइजर आए हमारे पास, हमको समझाए, हमको कन्विंस करे और तब हम उससे प्रोडक्ट लें। तो उन्होंने कहा कि दिस इज गोइंग टू स्टे इन इंडिया एज वेल, हर जगह ये रहेगा। और इसीलिए जहां तक आज से 10 साल के बाद हमारे इंडिविजुअल एजेंसी का क्या होगा, तो मैं बिल्कुल पूरे विश्वास कन्विक्शन के साथ कहता हूं, बिल्कुल रहेगा चैनल, इंडिविजुअल चैनल, और शान से रहेगा और बहुत अच्छा करेगा। और आने वाले समय में बस अगर अपने आप को थोड़ा ढाल ले तो अपने आप को और ज्यादा रिलेवेंट अपने कस्टमर से बनाएगा। एक मिनट और लूंगा मनोज जी। क्राइसिस जो क्वेश्चन में है, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन माइंडसेट हमको चेंज करना पड़ेगा अपने इंडिविजुअल एजेंट्स का, और दूसरी चीज अपने कंफर्ट जोन से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत अच्छा महावीर जी ने कहा, मिलेनियल को हम टैप ही नहीं कर रहे हैं, मिलेनियल की भाषा में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन भाषा में बात नहीं कर रहे हैं। और अगर मिलेनियल का आंकड़ा मैं दूं तो अभी हमारा जो 135 करोड़ का पॉपुलेशन इंडिया में, 42% उसका मिलेनियल है हमारा, 42%, और टोटल जो वर्क फोर्स है उसका 46% वर्क फोर्स यही है। और नेक्स्ट 7-8 ईयर्स में जितने इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं हमारी कंट्री के ऑर्गेनाइजेशंस में, उन सारे पोजीशंस पर यही मिलेनियल काबिज होंगे, इसलिए इनको हमको टैप करना बहुत जरूरी है। 30 सेकंड्स मोर, ब्रांड स्ट्रेंथ अलोन विल नॉट डू, कि मेरा तो ब्रांड है, नो। और आज का जो कस्टमर है ना, वो ब्रांड स्ट्रेंथ नहीं देता है, जहां उसको यूटिलिटी लगती है उसके पीछे जाता है। और एक संदेश लास्टली, कस्टमर इज नो लॉन्गर अ कैप्टिव कस्टमर, और आज जरूरत यह है कि हम अपने आप को इंडिविजुअल एजेंट, अपने आप को कस्टमर के साथ इंटीग्रेट करें और उसकी जेब न देखे, उसका माइंड देखे कि उसके माइंड का कितना स्पेस हम ऑक्यूपाई करते हैं। सो दिस इज ऑल दैट आई हैव टू से इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन 2।
सर एक फिर क्वेश्चन मैं आप ही से पूछता हूँ, क्योंकि आप इस सीनियर पोजीशन पे रहे हैं। एक इशू जो बीच में भी आया था कि परसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट इशू। हकीकत ये है कि IRDA स्टैटिस्टिक्स भी यही कहता है कि इंडिया में अगर 100 पॉलिसियां बेची जाती हैं तो 5 साल चलने के बाद केवल 52 या 53% ही पॉलिसियां रह पाती हैं। उसका एक कारण ये भी है कि परसिस्टेंसी ऑफ एजेंसी फोर्स इटसेल्फ इज इन क्वेश्चन। हर साल हम 2 लाख एजेंट रिक्रूट करते हैं और लगभग ये जो 23 लाख का फिगर, ये लगभग कंसिस्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए। 2 लाख रिक्रूट करते हैं, 2 लाख लोग निकल भी जाते हैं। शायद इसका एक और भी कारण है कि जो एजेंसी फोर्स है सर, उसको हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। शायद LIC सेटअप इतना अच्छा इसलिए था क्योंकि यहाँ एक डेवलपमेंट ऑफिसर का कैडर था जो बहुत ही मजबूत था। हालांकि जहां तक अब मुझे मालूम है कि आउटसाइडर के रूप में, कि वो कैडर भी आज के डेट में बहुत अच्छा नहीं रह गया, क्योंकि वहां भी बहुत चर्निंग आउट है। डेवलपमेंट ऑफिसर आते हैं वो चले जाते हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में तो और बुरी हालत है कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर सेल्स में जाता है, रिक्रूट करता है और अभी एजेंट का हैंड होल्डिंग हुआ ही नहीं कि वो खुद ही ट्रांसफर लेके चला जाता है सर। तो कहीं ना कहीं सर ये स्थिति हमारे कस्टमर के लिए बहुत घातक होती है और इंडस्ट्री के लिए भी है। इसके लिए सर क्या किया जा सकता, हाउ कैन वी रियली मेक आवर एजेंसी फोर्स प्रोफेशनल, कि लोग आए तो फिर टिके, इसको अपना कैरियर समझें। मैंने शुरू में ही कहा इवन कि एट MBA लेवल इंश्योरेंस का कोर्स करने में भी बच्चे डरते हैं, क्योंकि एक माहौल बना हुआ है कि दिस इज अ वेरी टफ लाइन। तो सर आपका इसमें क्या सजेशन होगा टू मेक इंप्रूव द परसिस्टेंसी ऑफ एजेंसी फोर्स पर से? देखिए मनोज जी, इसमें 2 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरवेंशन, नंबर वन। और दूसरा जो अभी आप डेवलपमेंट ऑफिसर्स की बात कर रहे थे, इन डेवलपमेंट ऑफिसर्स में भी आप, अगर मैं कहूं कि थोड़ा सा इंटरेस्ट जागृत करना पड़ेगा परसिस्टेंसी को बढ़ाने को, रिटेंशन ऑफ एजेंट्स को। और जहां तक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरवेंशन की बात है तो मैं अदर ऑर्गेनाइजेशंस की तो बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन चूंकि दिसंबर 2020 तक इस LIC में था और पॉलिसी मेकर कह सकते हैं आप मुझे, तो बहुत से इंटरवेंशंस लिए गए थे ताकि डेवलपमेंट ऑफिसर्स के मन में बहुत, जैसे आपको एक बताऊं, LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर्स में एक प्रीमियम कैटेगरी क्रिएट की गई डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस। दे आर नोन एज SBAs, सीनियर बिजनेस एसोसिएट्स। उनको ऑफिस में अलाउ कर दिया गया है और बहुत से फंक्शन, इवन अंडर राइटिंग ऑफ प्रपोजल, वो सारी चीजें कर सकते हैं। सर इंटरवेंट करूंगा, वो टॉप DO की बात ही, मेरा कंसर्न ये था कि जो नया ब्रीड आ रहा है उसको कैसे मोटिवेट करके रखा जाए, खुद ही भाग जाते हैं तो एजेंट। हाँ, दूसरी चीज वही सेकंड पॉइंट पर मैं आ रहा था, वो ऑर्गेनाइजेशन के लेवल का जो इंटरवेंशन है। आपने भी महसूस किया होगा कि जब नए डेवलपमेंट ऑफिसर्स आते थे तो बड़े भयभीत रहते थे कि हमको कोटा कंप्लीट करना है, कोटा अगर कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम टर्मिनेट हो जाएंगे। तो इसमें भी ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंटरवेंशन किया है और अब उसको थोड़ा काफी रैशनल कर दिया गया। वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज नॉट अटेम्प्टेबल, अब रिटेंशन रेट काफी अच्छी। अब जो लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जाते हैं, लेकिन जाते हैं तो ग्रीनर पैस्चर्स की ओर जाते हैं अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन जो ये करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि हमको रहना है, वो रहते हैं। और एक और चीज अच्छी हो गई, एजेंसी में पहले कुछ रिजर्व था कि एजेंट से अगर कोई डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ वैकेंसीज, अब वो फिर से वापस आ गया। और दूसरी चीज और मैं जो कह रहा था परसिस्टेंसी के लिए, एजेंट्स के लिए, ये खास करके ये डेवलपमेंट ऑफिसर्स का जो बीच का चैनल है, देखिए आपने बहुत सही शब्द का इस्तेमाल किया, हैंड होल्डिंग। हम हैंड तो होल्ड करते हैं लेकिन अपने पाम का वार्म्थ, गर्माहट ट्रांसफर नहीं करते हैं, हम मैकेनिकली करते हैं। तो इसके लिए एकमात्र उपाय है ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग पर मेरे ख्याल से सारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, वो काफी जोर दे रही है। इवन बाहर की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को भी रोप इन किया गया, तो दैट इज द ओनली वे आउट। और ऐसे भी मैं कहूं कि किसी जॉब में लोगों को टिकाना है तो उस जॉब को बहुत इंपॉर्टेंट बनाना पड़ता है। तो राइट इन द बिगिनिंग, शुरू में इंडक्शन कैसा होता है हमारे एक इंडिविजुअल एजेंट का, वही डिसाइड करेगा कि वो एजेंट कंटिन्यू करेगा या नहीं। महावीर जी, चूंकि आप इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि जिस तरह का आप basic.organization पे आप कंटेंट डेवलप करके लोगों को शेयर कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सर आपसे यही है, हाउ कैन वी मेक इंश्योरेंस इंडस्ट्री एज ए ड्रीम कैरियर चॉइस फॉर द यंग जनरेशन, कैसे किया जाए? एज ए प्रोफेसर सर मैं भी स्ट्रगल करता हूँ इस मामले में। सो एक्चुअली द प्रॉब्लम जो मुझे जितना समझ में आया है वो ये है कि अच्छे लोग आने चाहिए राइट इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। जो लोग शॉर्ट टर्म सोच रहे वो ना आए, और जो लोगों को हम रियली राइट तरीके से इंडक्ट कर सके कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, इसमें आपको एक साल में आप करोड़पति नहीं बनेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म में,
जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो अच्छा कर रहे हैं, राइट। बट जैसे हम अतुल जी का ही मैं एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि वो अभी हेड है इस पे, कि उन्होंने पहले साल में क्या वो जो आपने नंबर बताया कि जितना इनकम किया वो नहीं हुआ रहेगा, राइट। उन्होंने इतने साल स्ट्रगल किया होगा, इतने साल मेहनत की होगी, उसके बाद वो बना होगा। आई थिंक गिविंग सच एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु हैव डन वेल, मतलब जिन्होंने अच्छा काम किया है और उन्होंने सही तरीके से काम किया है, वो ब्रांड करना बहुत जरूरी है। आई थिंक इंश्योरेंस का जो एक रेपुटेशन है फ्रॉम अ पर्सन परस्पेक्टिव कि कौन इंश्योरेंस बेचता है, इज जनरली अंडरस्टूड टू बी कि अनएम्प्लॉयड लोग इंश्योरेंस बेचते हैं। मतलब सॉरी बट मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों की ये थॉट प्रोसेस है कि जिसको कोई कुछ काम नहीं मिला करने के लिए वो इंश्योरेंस एजेंट बन गया, राइट। ये नहीं होना चाहिए। ये कैसे आप परसेप्शन चेंज कर सकते हो, ऐसे लोग जो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको ऊपर लाके उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे पर्सनालिटीज है हमारे इंडस्ट्री में जो अच्छा काम करके जो फोर्थ फ्लोर पे होते हुए भी टू व्हीलर पॉलिसी बेचते हैं, ऐसे लोग भी है हमारे इंडस्ट्री में। सिर्फ ऐसे लोग नहीं है जो लोगों की जेब काटते हैं, राइट। वो पता नहीं है लोगों को, उसके बारे में पता करना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज आई थिंक जो है, जो अनूप जी ने कहा आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था, कि ट्रेनिंग बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग जो होना चाहिए, फिल्टर और ट्रेनिंग, ये बहुत दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्टर कि आप सही लोगों को लाए जिनको सही में कमिटेड है, उनको राइट करियर बनाना है, उनको वो करना बहुत जरूरी है। और सेकंड उनको ट्रेन करना बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस लॉन्ग टर्म का है, आप कैसे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बिजनेस बना सकते हो। इससे रेप्यूटेशन बेस्ड बिजनेस है, आपने एक बार किसी को अच्छे तरीके से बेचा, आपने कोई स्मॉल पॉलिसी भी उनको बेची तो वो आपके साथ जुड़े रहते हैं पूरी जिंदगी। आप उनकी सर्विस करेंगे, अगर उन्होंने आपसे पॉलिसी नहीं भी खरीदी और आप उनको सर्विस करेंगे तो जुड़े रहेंगे आपके साथ। कस्टमर को इंश्योरेंस नहीं समझता है, और कस्टमर को एक आदमी चाहिए जो ये पूरा जो माथे पे बोझ है दो चीज का, एक प्रोडक्ट को समझना और एक प्रोडक्ट को चलाना, जब क्लेम आए तब उसको हेल्प करना, मैं मर गया मेरी टर्म पॉलिसी थी, मेरी फैमिली को मदद करना, ये दो चीज कस्टमर जानता है कि वो खुद से नहीं कर पाएगा। तो अगर सही आप सही तरीके से पॉलिसी बेचेंगे, राइट ब्रांडिंग करेंगे कि इंश्योरेंस इज नॉट ओनली फूलिंग पीपल, आप सही लोगों को अगर प्रोजेक्ट करेंगे जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और सही ट्रेनिंग देंगे, अगर ये सारी चीजें करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छे लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आएंगे। थैंक यू। कंसिस्टेंसी और वो हैंड होल्डिंग वाली बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपने जिक्र किया कस्टमर सर्विस की, तो इसी IRDAI के एनुअल रिपोर्ट में अगर कंप्लेंट का जो आप डाटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट रजिस्टर्ड है दैट इज कमिंग फ्रॉम द बैंक का इंश्योरेंस चैनल, जबकि उनका लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम में शायद कंट्रीब्यूशन 15-20% भी नहीं रहा हो। थर्ड लेवल पे जाकर के एजेंसी चैनल के कंप्लेंट के जो नंबर है, तो कहीं ना कहीं ये जो भागा दौड़ की जो हालत बनी हुई है कि आज हम इस बैंक में हैं, यहाँ हमने कुछ किया, अच्छा बिजनेस कर लिया, प्रमोट होके हम दूसरे बैंक में चले गए, ये हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, तो इसके लिए खैर बैंकिंग इंडस्ट्री को भी कुछ सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इस तरह की चीजों, और बैंकिंग नहीं बाकी सबको। अतुल जी आपका भी व्यू हमेशा रहा है कि एंट्री लेवल की थोड़ी बैरियर बढ़ानी चाहिए, जो भी आ रहा है उसको एजेंसी नहीं देना चाहिए, बल्कि ठोक ठिठा के जिसको बोलते हैं हमारे बिहार के भाषा में, लोगों को सही ढंग से चूज करना चाहिए, सबको एजेंसी नहीं देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? नहीं भी दो सेकंड के तब हम कुछ क्वेश्चन लेना चाहेंगे। सर मैं ये कहना चाहता था कि जो अभी 20 साल हमारे IRDA बनने के बाद 20 साल निकल चुके हैं, ठीक है, और एजेंसी चैनल को हमने जो देखा है, अभी भी आज भी IRDA की एजेंसी लेना बहुत मुश्किल काम नहीं है। जब उस जिस काम को करने के लिए एजेंसी लेने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, तो काम भी मेहनत के लायक नहीं रहता। उनको ये समझ आता है जितना आसान ये एजेंसी लेना है उतना ही आसान ये काम है। तो जब वो काम उनकी एक्सपेक्टेशन के साथ मैच नहीं करता तो वो नंबर ऑफ डेटा जो आप बता रहे हैं कि 33 लाख है, वो 33 लाख भी खड़े रह जाते हैं। तो मैं जो इस पे साथ साथ मैं अनूप सर की बात करता हूँ कि जॉब में जो ये इंपॉर्टेंट बिजनेस रोल प्ले करना है ना, सबसे पहले हमारा ये एजेंसी, मैं मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट है इस चैनल के थ्रू कि ये यदि ये बात IRDA तक पहुंचे, पहला चीज तो सबसे पहली होनी चाहिए कि एजेंसी चैनल थोड़ा सा टफ होना चाहिए। आज आप देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, 5%, 4%, 3% रिजल्ट्स आते हैं, कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको बेकार दिखते हैं आप बताइए मुझे। सबके पास अपना अच्छा प्रोफेशन है, या तो वो अपनी प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से होंगे, या वो कहीं अच्छी जॉब होंगे, या वो किसी बिजनेस में भी होंगे, तो अपनी एजुकेशन का फायदा उठा। जहां पे हम एक एजेंसी एक बहुत इजीली 30% पे बंदे के 30% मार्क्स आते हैं, आप ये बताइए ना कौन से इंस्टीट्यूट में 30% के 100 में से 30 नंबर आने के बाद उसको कहां पे एडमिशन मिलता है?
दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं 99% के बच्चों को, 99.95% बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता है। जब ये सिचुएशन एजुकेशन की हो चुकी है तो आप इस प्रोफेशन इसको इसको एक प्रोफेशन क्यों नहीं मानते? इस बिजनेस इसको इस ये भी इंश्योरेंस इज ऑल्सो प्रोफेशन। मुझे याद अच्छी तरीके से मैं एक किसी एमडीआरटी के एक स्पीकर को सुन रहा था, जब वो अमेरिका में पहुंच यूएस में पहुंचे अटेंड करने के लिए क्लास एमडीआरटी की मीट अटेंड करने के लिए, तो एयरपोर्ट पे जब उन्होंने पूछा यू आर इनटू व्हिच बिजनेस व्हिच प्रोफेशन, तो उसने कहा कि आई एम इनटू इंश्योरेंस, तो जो सिक्योरिटी वाले ने उसको सैल्यूट मारा। तो इतना हाई प्रोफेशन है वहां पे इंश्योरेंस का। आज हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस के हमारे अपने क्लाइंट जो बहुत अच्छे रिलेशन है, जिनको जो अपनी फैमिली को हमारा नंबर दे के रखते हैं, वो हमारा नंबर फोन उठाने में कतराते हैं कि आज अतुल जी का फोन आ गया, समझ लो कुछ ना कुछ तो और बात करेंगे। तो ये जब तक ये सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, जब तक एक एजेंसी के अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, एजेंसी का स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होगा ना, जो चीज आसानी से मिलती है ना सर, वो आसानी से जाती है। मिलेनियम की बात सर आपने भी की थी, मिलेनियम को हर चीज चाहिए ऑनलाइन और हमारे जो एजेंट है वो है ऑफलाइन, इस गैप को सर कैसे भरा जाए? देखिए इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाहता था, समय की कमी थी इसलिए हमें मिलेनियल के तरीके को अपनाना पड़ेगा। और आज देखिए ऑलमोस्ट हर इंश्योरेंस कंपनी ने ऑनलाइन मोड्स ऑनलाइन मेथड्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी, मतलब इंडिविजुअल एजेंट्स के भी। जैसे मैं अदर प्राइवेट कंपनीज के बारे में तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन LIC के बारे में बता सकता हूं, क्योंकि वो जब इंट्रोड्यूस किया गया उसका नाम है आनंदा एजेंट्स के लिए। ऑनलाइन कंपटीशन आप भी कर सकते हैं, पांडे जी जानते हैं उसके बारे में अच्छी तरह, ऑनलाइन कंपटीशन कर सकते हैं और उसमें सुधार भी किया गया। तो हमको भी करना ये होगा कि इन तरीकों को अपनाना होगा। देखिए बेसिक चीज, आज मिलेनियल के पास टाइम बिल्कुल नहीं है और वो अपने तरीकों से ही चीजों को समझना चाहता है। आप अपने घर में देखिए, हमारे घर में आपके बच्चे सब कुछ ऑनलाइन वो करते हैं, तो ये तो हमें अपने आप को मिसमैच, इस मिसमैच को दूर करने की जिम्मेवारी हमारी अपनी एजेंट की है। वी हैव टू अडैप्ट, वी हैव टू अडैप्ट। अमिताभ बच्चन आज भी 75 साल की उम्र में महानायक है, क्यों है भाई? न वो पेड़ के चारों तरफ घूम करके गाने गा सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, बट ही कंटिन्यूज टू बी द महानायक बिकॉज उन्होंने अपने आप को अडैप्ट किया। आज का जमाना बिल्ट टू लास्ट का नहीं है, आज का जमाना बिल्ट टू एडेप्ट का है और वो हमारे एजेंट को करना होगा। महावीर जी, आप बहुत सारे यंग या सीनियर एजेंट से भी आप इंटरेक्ट करते होंगे अपने इस प्रोफेशन में, आपको क्या लगता है कि जो हमारा जो सेटअप है इंश्योरेंस कंपनी सेटअप है, क्या अपने एजेंट्स को उस तरह की ट्रेनिंग दे पा रहे हैं या वहां आपको गैप लगता है, खासकर जो डिजिटल एडॉप्शन वाली जो बात है? तो इसमें दो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, और मैं काफी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करता हूँ, मोस्टली ये जो होता है वो मीडियम साइज फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं। तो उनसे जब मैं बात करता हूँ तो मुझे जो क्लियरली एक चीज दिखाई दे रही है कि इंश्योरेंस कंपनीज का जो फोकस है 90% फोकस है वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में ज्यादा जाता है, उनकी प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बताने में ज्यादा रहता है। इवन प्राइवेट प्लेयर्स, नॉट इवन पब्लिक सेक्टर प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो सिर्फ यही फोकस करते हैं, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये मेरा बहुत लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि मैंने बात की होगी कुछ 50 फाइनेंशियल एडवाइजर से अभी तक, तो मेरा ये जो इनसाइट है वो रॉन्ग भी हो सकता है, बट जो मुझे पता है और जो मैं खुद ब्रोकर था तभी भी मैं देखता था कि मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज वर फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट ट्रेनिंग। उनके जो ट्रेनिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, और ये चीज है, मैं उसके बारे में काफी कॉन्फिडेंट हूँ, मोस्ट प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज में जो ट्रेनर होता है उसको इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन में भी, एंड आई एम सेइंग दिस विद अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी, इतनी ज्यादा स्टैंडिंग नहीं होती है, वो जो बंदा होता है उसकी इतनी पोजिशनिंग नहीं होती है। मोस्टली ट्रेनर ऐसे लोगों को बनाया जाता है वो शायद बिजनेस में परफॉर्म नहीं कर पाया, राइट? या जो आदमी ऐसे को ट्रेनर बनाया जाता है जो शायद थक गया है ट्रेनिंग कर, मतलब सेल्स कर करके थक गए हैं, राइट? ऐसे लोगों को अगर ट्रेनर बनेंगे और ट्रेनिंग जो अच्छा भी दे रहे हैं, अगर उनको पोजीशन नहीं मिलेगी अच्छा ट्रेनिंग करने के लिए, तो ट्रेनिंग भी खराब ही होने वाली है, राइट? और दोनों तरीके से, एक तो लोग अच्छे नहीं आएंगे और जो अच्छे हैं उनको मजा नहीं आएगा करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इंश्योरेंस कंपनीज को अपनी व्यू पॉइंट चेंज करनी पड़ेगी कि इंश्योरेंस का जो ट्रेनर है उसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, उनको बहुत ऊपर का दर्जा देना पड़ेगा कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो छोटा काम नहीं कर रहे। आप उनको अगर दर्जा देंगे तो वो अच्छा काम कर सकते हैं, एक चीज। दूसरा चीज जो मैंने कहा वो ये है कि सिर्फ प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ना हो, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होनी चाहिए, मे बी
एक इंश्योरेंस कंपनी को ट्रेनर ऐसे भी ट्रेनिंग ऐसे भी करनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड कैसे बेचा जाता है, राइट? इंश्योरेंस कंपनी को ऐसी भी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि आप पीपीएफ कैसे सही तरीके से बता सकते हो कस्टमर को, पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। सिर्फ फोकस करना कि मेरा प्रोडक्ट बेच दो, वो अभी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएगा। मुझे लगता है होलिस्टिक ट्रेनिंग देंगे तब वो एडवाइजर भी सही तरीके से बेच पाएगा और तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा और अप्रिशिएट भी करेगा। एक क्वेश्चन फिर मैं वही आता हूँ, एमजीए मॉडल जो होता है विदेशों में कि एजेंट क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड है, बट ही और शी इज फ्री टू सेल द पॉलिसी ऑफ एनी कंपनी, क्या सर ये सही समय नहीं इंडिया में इसको भी लागू किया जाए? मुझे लगता है सर ये सही समय है, लेकिन मैं इसमें एक फिल्टर डाल के ये होना चाहिए, ये कोई भी आदमी, जैसे अतुल जी ने बताया कि कोई भी आदमी आज एजेंट बन जाता है, उसके लिए नहीं होना चाहिए। शायद इसके लिए एक और बड़ा फिल्टर होना चाहिए कि आप ये दो एग्जाम और दीजिए, आप ये तीन चार ट्रेनिंग और कंप्लीट कीजिए, तब आपको एक एक्स्ट्रा लाइसेंस मिलेगा जिसमें आप ये कर पाओगे, जहां पे आपने प्रूव कर दिया है कि आपकी कमिटमेंट है और आपकी क्वालिफिकेशन है ये सारे प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि एक इंडिविजुअल एडवाइजर नहीं कर पाता। आज तो इंडिविजुअल एडवाइजर कर भी रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज एडवाइजर्स, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, पीयूएसपी से जुड़ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द एडवाइजर्स नाउ जिनको बेचना है सारी कंपनीज, वो बेच तो रही है, थोड़ी दिक्कत से बेच रही है, बिकॉज ऑब्वियसली वो जो क्रेडिट्स होते हैं और जो बिजनेस होता है उसका जो रिकग्निशन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो मेरा कहना सिंपल चीज है, फिल्टर डाल के ये करना चाहिए, सबको नहीं देना चाहिए, बिकॉज सब लोग मेच्योर्ड नहीं है ना, उतने ट्रेंड या क्वालिफाइड है कि वो सारे प्रोडक्ट बेच सके। एक फिल्टर डाल के आई थिंक इंडिविजुअल एडवाइजर शुड गेट टू सेल ऑल प्रोडक्ट्स। ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है कि वो बेसिक ओटीसी प्रोडक्ट्स को, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को बेच नहीं पाएंगे। अनूप सर आपका व्यू सर, क्योंकि मुझे याद है, मैं एक शेयर करना चाहूंगा सर, मतलब इनपुट, इंग्लैंड में एलआईसी का ब्रांच सर हुआ करता था, अभी भी है, वहां जो हमारे मैनेजर सेल्स जाते थे उनको वहां का जो कंपीटिंग एग्जाम था उसको क्लियर करना पड़ता था, एंड दैट एग्जाम वाज नॉट इजी। हमें याद है कि 97-98 में हमारे दो ऑफिसर गए थे, दोनों ने एग्जाम दिया था और एक जो ऑफिसर थे वो क्लियर नहीं कर पाए थे, उनको रिपीट करना पड़ा। तो जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 10-15 साल काम किया हुआ व्यक्ति भी अब इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में अगर पॉलिसी बेचनी है तो वहां के रूल्स रेगुलेशन, कस्टमर सर्विस रिक्वायरमेंट सब करने के बाद ही वो सेल्समैन या सेल्स मैनेजर या जो कहिए उसका वो कार्य कर सकते थे। तो बिल्कुल सही है कि शायद इसकी जरूरत है सर, संभव हो पाएगा सर इंडिया जैसे देश में, या हमारा जो इंश्योरेंस का जो सर सेटअप है? मनोज जी, आपके प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल संभव हो पाएगा। विल चाहिए इंश्योरेंस कंपनीज के पार्ट पे, क्योंकि अभी महावीर जी ने बहुत बेहतरीन सजेशन दिया, एक तो ट्रेनिंग से संबंधित दिया और दूसरा उन्होंने कहा कि ये लाइसेंस हम तभी दें उन एजेंट्स को जब वो एक बेंचमार्क क्रॉस कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इट इज हाई टाइम कि इंडिया की इंश्योरेंस कंपनीज ने इस पर काम करना शुरू किया, बिकॉज ये है इनएविटेबल, है अवश्यम भावी है, इसको हम कितने दिनों तक टालेंगे। द बेटर होगा कि जितनी जल्दी हम इसको एक्सेप्ट करें और जितनी जल्दी हम इसको इंप्लीमेंट करें बहुत अच्छा होगा, ये हमारे लिए करना बहुत आवश्यक है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जो चल रहे थे, हो सकता है आपके प्रश्न का ये पार्ट ना हो, इंडिविजुअल एजेंट्स को मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि हमको बहुत पहले एलआईसी का एक एडवर्टीजमेंट आया करता था, एक फोटो था, ग्रुप फोटो, उसमें 6-7 लोग हुआ करते थे और उसमें नीचे था एक क्विज कि पहचानिए इसमें एलआईसी का एजेंट कौन है, मतलब इंश्योरेंस का एजेंट कौन है, क्योंकि वो फैमिली का मेंबर था। तो आज हमको एक फैमिली मेंबर बनना पड़ेगा, जैसा मैंने पहले कहा था, इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको अपने कस्टमर से। और दूसरी चीज जो अभी रिटेंशन की बात चल रही थी, परसिस्टेंसी की, तो एक सुझाव मैं देना चाहूंगा हर एजेंट को, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भ्रम में मत आना, अपने कोर स्ट्रेंथ पर, जो आपकी मूल शक्ति है उसी पर भरोसा करो। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो आप कह रहे थे ना कि वंस एन एजेंट इज अपॉइंटेड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, हड़बड़ी में हम उसको कहते हैं कि जाओ मार्केट में इतना बिजनेस लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये लाओ। नो, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर कोर स्ट्रेंथ। अगर कोई एजेंट नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज्यादा बढ़ाने में सक्षम है, अच्छा लगता है, वही करे। कोई अगर टिकट साइज ज्यादा लाता है, प्रीमियम ज्यादा लाता है, तो वही करे, उसी के माध्यम से वोट प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी चीज, एजेंसी में इंटरेस्ट देने के लिए एक शिक्षा इंडक्शन के टाइम पर जरूर देनी पड़ेगी हर एजेंट को, इंडिविजुअल एजेंट को यह बताना पड़ेगा कि यू आर एन इंडिविजुअल बिजनेसमैन। और एक बिजनेसमैन कौन होता है, जो अपना प्रॉफिट देखता है। चलिए ठीक है, सोशल सिक्योरिटी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन भाई भूखे पेट भजन होई न गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। इसलिए इंडिविजुअल बिजनेसमैन का एटीट्यूड रखना पड़ेगा। चलिए अटल जी, लास्ट आपके तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे फाइनली? अब हमारा समय भी हम लोग सीट कर गए हैं। मैं बिल्कुल महावीर जी की बात और अनूप सर की बात दोनों को
वेट देते हुए यही बात करना चाहूंगा कि जो एक एक फिल्टर इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एक बीच में फिल्टर जरूरी है, क्योंकि हर एडवाइजर को यदि सब कुछ मिल जाएगा तो फिर वही हालत हो रही है जो आज के दिन चल रहा है, जो इसमें इसमें स्थिति चेंज होने वाली नहीं है। ट्रेनिंग्स का रोल बहुत जरूरी है, डेफिनेटली ट्रेनिंग्स। मैं यदि अपने आप को आज बात मानता हूँ कि 2010 से मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस से अपना मतलब ट्रेनिंग का वो शुरू किया था, और आज भी हम लोग अपना अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपीज अपने ट्रेनिंग्स के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, हर एडवाइजर को डे वन पे ये लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पहले चीजों को खुद समझेगा, उसके बाद वो मार्केट में जाकर के, यदि वो सीधा मार्केट में जाएगा और सेल करने पे शुरू हो जाएगा तो उसको खुद भी नहीं पता होगा कि कौन सी चीज कैसे चल रही है। और एक लास्ट चीज मैं बता रहा हूँ कि 90% लोग बाय चांस इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं जिस दिन वो, और 10% लोगों की शायद कोई उनकी फैमिली में पहले चल रहा होगा, उसको रिपीटेशन हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ जिस दिन आप अपने अपने इसको बाय चांस को बाय चॉइस बना लेंगे, जिन लोगों ने आज इतिहास रचा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने चांस को चॉइस में कन्वर्ट करा है। बस इस इंडस्ट्री के अंदर जितने एडवाइजर आज काम कर रहे हैं और जितने लोग सुन रहे हैं और जितने फेसबुक पे लाइव में सुन रहे होंगे, उन लोगों को सिर्फ इतना सा मैसेज देना चाहता हूं, इसको चांस से चॉइस की तरफ शिफ्ट करिए। आप 2-4-5 साल इसको सिर्फ दे दीजिए इस प्रोफेशन के अंदर, आप रियलाइज करेंगे इससे अच्छा कोई अच्छा प्रोफेशन नहीं हो सकता। ये एक नोबल प्रोफेशन है। जब किसी फैमिली के अंदर, मैंने अभी पिछले दिनों बहुत सारे डेथ क्लेम्स में दिलवाए हैं, तो मुझे आज इतनी अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है कि हमने इस प्रोफेशन में रह करके बहुत सारी फैमिलीज को थोड़ी सी हेल्प कर पाए। तो प्लीज मेरी तरफ से ये मैसेज है कि इसमें आप एक फिल्टर जरूर लगा दीजिए, ट्रेनिंग्स को इम्प्लीमेंट कीजिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए, चॉइस बनाइए इसको प्रोफेशन को, चांस पे मत रहने दीजिए। That's all for my side. Thank you, अतुल जी। और अनूप सर ने जो वो फोटो वाली बात की, बहुत ही टचिंग बात थी कि एजेंट जो है, एडवाइजर जो है, वो फैमिली का एक मेंबर होता भी है। हम जब अपने बच्चों मतलब हमारे स्टूडेंट से पूछते हैं तो उनके दिमाग में इंश्योरेंस का मतलब कोई ना कोई अंकल ही होते हैं जो उनके पिताजी के मित्र थे, जो आकर के घर में इंश्योरेंस की बात करते थे। सर मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो हालांकि टोन वॉज निगेटिव टू बिगिन विथ फ्रॉम माई साइड कि भविष्य बड़ा दिक्कत वाला है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि ऑल थ्री ऑफ यू कुड प्रूव मी रॉन्ग, प्रूव माई नरेशन रॉन्ग। और आप सबकी बात ये है कि बहुत ही भविष्य है, जो भी कंपीटिंग चैनल्स हैं दे आर नॉट कंपिटिटेड बट दे आर बेसिकली हेल्पिंग अस, इमेंस पोटेंशियल है, हकीकत है। अभी भी कोरोना के समय में भी जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, पेनिट्रेशन जिसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन टू GDP, अभी केवल 4% से ऊपर गया है, 3.8 के आसपास था। तो बहुत असीम संभावनाएं हैं, लेकिन हाँ जरूरत इस बात की है कि जो भी आए फिल्टरेशन के साथ आए, थोड़ा टफ बनाया जाए इंट्री बैरियर ताकि मेहनत का फल उनको अच्छा लगे। और ठीक है, डायनेमिक्स के साथ ही बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। मिलेनियम को सर्व करने के लिए जरूरत है, जैसा कि सर अनूप सर ने बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया, अमिताभ बच्चन अगर जब आप पेड़ के पास डांस नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कुर्सी पर बैठ के अच्छा क्वेश्चन तो पूछ ही लीजिए, KBC में जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एंड टू बी ऑनेस्ट अमिताभ बच्चन से तो अच्छा कोई हो ही नहीं सकता एग्जाम्पल की किस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग फेज उनका हमने देखा है। तो इस सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों आदमी का, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जितने भी दर्शक हैं, दर्शक तो नहीं अटेंडी हैं क्योंकि ये संख्या हमेशा 150 के आसपास थी, 153-154 तक मैक्सिमम गया था, अभी 145 है। नो डाउट इस क्राइसिस समय में बहुत अच्छा संख्या है। बहुत सारे लोगों ने अभी फेसबुक लाइव पे देखा होगा और बाद में तो खैर ये वीडियो हम लोग एडिटिंग करके आपको देंगे ही देंगे। सो थैंक यू अनूप सर, थैंक यू महावीर जी, थैंक यू अतुल जी, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, थैंक्स अ लॉट। एंड विद दिस वी विल स्टार्ट। और मनोज आपको कॉम्प्लीमेंट्स, इतना अच्छा आपने ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सर, थैंक यू।